ये भाजपा जो हरदम 400 कहता है, हमको लगता है कि थोड़ा सा गड़बड़ आ गया बोले में, 20 कम बोला है। इन लोग गड़बड़ा गया, इन लोग को 420 बोलना था कि हम लोग 420 को सीट जीतेंगे, क्या कि के सब 420 है उसमें। इस काराकाट के लिए अगर कोई है तो राजा राम सिंह ही है, और इनको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। हमको लगता है कि जब से काराकाट लोकसभा बना है, हमको लगता है कि प्रथम बार लोकल कैंडिडेट हम लोगों के बीच में मिले जो इस जमीन के, जो इस धरती के तपिश को जानते हैं, यहाँ के हर दुख को जानते हैं, हर सुख को जानते हैं। जब से काराकाट बना है तब से आप लोग हरदम बाहरी को वोट देते आए, कभी चैनपुर से लोग चले आते हैं, कभी हाजीपुर से लोग चले आते हैं। हम उन लोगों का विरोध नहीं कर रहे, अगर कुशवाहा ही समाज से अगर हम लोगों को चैन करना है तो राजा राम जी में बुराई क्या है, हम आप लोगों से केवल पूछना चाहते हैं। हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय तेजस्वी जी को, लालू जी को और कॉमरेड दीपांकर जी को कि कम से कम आप लोगों ने एक स्थानीय नेता को आप लोगों ने आगे बढ़ाया है और राजा राम जी को टिकट देने का काम किया है। और राजा राम जी के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है भाई, यहाँ जितना कुर्ता पजामा पहनने वाले इस जिला के अंदर में लोग है, कोई विधायक हो सकता है, कोई सांसद हो सकता है, कोई मुखिया हो सकता है, कोई जिला परिषद हो सकता है, लेकिन इतना मार खाए वाला कोई अभी तक विधायक नहीं है। और किसके लिए मार खाए, ये आपके हक के लिए मार खाए। जब यहाँ अन्याय हुआ, छोटू मुखिया का हत्या हुआ, उस हत्या के विरोध में जब कलेक्ट्रेट पे चढ़े और अपने आवाज को बुलंद किया, यहाँ के गरीबों का आवाज को बुलंद किया, यहाँ के किसानों का आवाज बुलंद किया, उसके खिलाफ में जब उनको मार पड़ रहा था, तो हमको लगता है कि वो मार देखने के बाद कोई आदमी जल्दी कुर्ता पजामा फेर न पहनता, लेकिन वो व्यक्ति आज भी संघर्ष करने के लिए तैयार है। तो भाई हम लोग को दिक्कत कहाँ है, अगर लोग एक सोचते होंगे कि हम ठेकेदार हैं, कि हम किसी जात के, तो भाई हम लोग भी ठेकेदार हैं, लेकिन हम ठेकेदार हैं तो यहाँ के स्थानीय के लिए है कि जो यहाँ रहेगा वही लड़ेगा। और राजा राम जी हम लोगों के बीच के हैं, हर सुख में आपके पहुंचेंगे, हर दुख में पहुंचेंगे। अगर आप वो नहीं पहुंच पाएंगे तो आप ओबरा जा सकते हैं, लेकिन और सब लोग के लिए तनी एड्रेस हो तो पूछ के देखिए। नॉमिनेशन फाइल किए हैं ना सब, कोई एड्रेस कहाँ का है आप लोगों को स्पष्ट पता चल जाएगा। जो व्यक्ति इस जमीन के बारे में कुछ जानता नहीं, और लोग कहते हैं कि हम विकास कर देंगे, एक तो माननीय को हम लोगों ने जिताया और उनको भारत सरकार का मंत्री बनाया, भैया फंड लिख देने के लिए तो हम तो कह रहे कि लेखवा से हम लिखवा देंगे, हमरो 4 करोड़ रुपया मिलता है साल में, हम एक ही दिन में बाकलम खास कर देते हैं, और फिर दिन क्या करना है। आपके क्षेत्र में बड़ा कोई योजना, माननीय मंत्री जी अगर आपके बीच में आएंगे तो पूछिएगा उनसे कि माननीय मंत्री जी आप बताइए कि 5 साल आप कोई केवल सांसद बनता है, आपको तो भारत सरकार का मंत्री तक बनाया गया, आपने यहाँ पे कौन सा अचीवमेंट का काम कर दिया। हम लेकिन बता सकते हैं, हम लोगों का दल बता सकता है, यहाँ नौजवान लड़के 17 महीने के दरमियान में जो काम हमारे नेता तेजस्वी यादव ने जो करके दिखाया है, वो हमको लगता है कि इतिहास में कभी भी कोई नहीं कर सकता है। वो हमारे ही चुनाव में बारून में आए थे, और बारून के अंदर में उन्होंने कहा था कि 10 लाख नौकरी का मैं गारंटी लेता हूं, आप मुझे मुख्यमंत्री बनाइए।
लेकिन हम लोग कुछ वोट कुछ सीट से हम लोग चूक गए थे, अब मात्र 12,000 वोट से हम लोग चूके थे और हम लोगों की सरकार नहीं बनी। लेकिन किस्मत बदलता है, हम लोग 17 महीने के लिए सरकार में आए और हमारे नेता ने 5,00,000 नौजवान लड़कों को नौकरी देने का काम किया। ये भाजपा जो हरदम 400 कहता है, हमको लगता है कि थोड़ा सा गड़बड़ आ गया बोले में, 20 कम बोला है। इन लोग गड़बड़ा गया, इन लोग को 420 बोलना था कि हम लोग 420 को सीट जीतेंगे, क्या कि साला सब के सब 420 है उसमें। जो स्थिति इन लोगों ने पैदा कर दिया है, कहता गारंटी है मोदी का गारंटी है, महाराज बोल रहे हैं कि साल में 2 करोड़ लड़का के नौकरी देंगे और नौकरी के ठिकाने नहीं, और उसके बावजूद कहते हैं कि हम पे विश्वास कीजिए, हम गारंटी देते हैं। भैया मेरे, हम तो इतना जानते हैं कि एक नौजवान जो बोला सो किया और आज एक हेलीकॉप्टर लेकर नरेंद्र मोदी को चना चबवा दिया है। अभी देखिएगा कि 25 तारीख के टेहरी तक आ गए, टेहरी आ गए, औरंगाबाद आ गए, अब हमको लगता है कि हो सकता है कि अगला चुनाव में बैरिया बाजार में मिलेंगे नरेंद्र मोदी। जो स्थिति बन गया है, प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं, तभी रोड शो बिहार के अंदर में उनका नहीं हुआ। ये स्थिति या परिस्थिति अगर कोई पैदा किया है तो हम लोगों के नेता ने पैदा कर दिया है, महागठबंधन के नेताओं ने पैदा कर दिया, लालू प्रसाद यादव जी ने पैदा कर दिया। और अगर यहाँ पे कुशवाहा भाई अगर यहाँ पे सब कोई जमा है तो मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछ के बीच में छोड़ के जा रहा हूँ। इसी अगर लोकसभा के चुनाव को देख लीजिए, कितना कुशवाहा को सीट मिला है, महागठबंधन ने 20%, 9 सीट आपके समाज को देने का काम किया है। उसके बावजूद अगर आप लोग अगर कहीं दिक्कत होते हैं तो हमको लगता है कि आने वाला समय आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगा। आप लोगों को समझना होगा कि अगर माननीय लालू जी और सभी नेता ने अगर औरंगाबाद भी कुशवाहा को दिया है और काराकाट भी कुशवाहा को दिया है तो कुछ सोच के दिया है, क्योंकि आप पे भरोसा करके दिया है और उनके भरोसे पे आप लोगों को उतरना होगा और हर हालत में उतर के आप लोगों को दिखाना होगा। ये भ्रम में मत रहिए, जिसको नेता बनाना है, नेता बनाने के लिए बहुत हम लोगों ने समय दिया है। मैं भी उस टीम में था जब नेता बनाने की बारी थी तो उपेंद्र कुशवाहा जी को जिताने के समय में इकलौता डब्लू सिंह इस क्षेत्र में दौड़ रहा था। अगर इस बात को अगर किसी को अगर भूल गए होंगे तो याद रखिएगा। लेकिन अगर जो व्यक्ति आपके उम्मीद के मुताबिक नहीं उतरता है तो उसको आने की जरूरत नहीं। अगर हमारे घर का अगर बेटा है, हमारे घर के अगर गार्जियन है, अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो हम लोगों की जवाबदेही हो जाती है कि उनको ज्यादा से ज्यादा मत देकर आगे बढ़ाने का काम करें। राजा राम जी को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन बाजार कहाँ है, कौन गांव कहाँ है, किसी बीघे में जाना है कि कहाँ जाना है, उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो भी अभी प्रत्याशी घूम रहे हैं, ठीक अभी सबको बता रहे थे कि जेकरा जेने सेल्फी लेना है तेने लीजिए, लेकिन भर दिन घूमिया, शाम में घरे चलाइए और 1 तारीख को तो जरूर चलाइएगा, 1 तारीख को जबरदस्त वोट करना है। अगर हमको मानते होंगे, आप लोगों ने मुझे बनाया है, जिताया है, मैं आपका विधायक हूँ, मैं आपका आवाज हूँ, मैं सदन के अंदर में भी भैया बैठे हैं, भैया हरदम गवाह रहते हैं। अभी हमारा से कह रहे थे कि डब्लू जी आपका बड़ी अल्पसूचित आ जाता है, कैसे आता है हमारा बताइएगा। हम कह के भैया पटने बताएंगे, हिया ना बताएंगे। हम लोग अपने क्षेत्र के लिए चिंता करते हैं। 17 महीने के अंदर में मैं भी अपने क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा बड़ा काम किया। अगर मेरा 2-2 NTPC प्लांट सोन किनारे बालू का घाट चलता है, डेली एक्सीडेंट नौजवान लड़कों का होता है, डेली हम लोग जाते हैं, कभी इलाज कराते हैं, कभी पोस्टमार्टम कराते हैं, उस समय कलेजा फट जाता है। जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी यहां आए थे, बगल में ही कचनपुर में आए थे, उस दिन हमने प्रस्ताव रखा था
कि पूरा रियूर कैनाल पे ले जाके नवीनगर से उठा के बारून तक ले जाके पैरेलल हम लोग को रोड बनवा दीजिए। आज मैं डंके के चोट पे कहता हूँ तेजस्वी जी का सरकार बना तो हम लोगों ने उसको पूरा कर दिया, हमने टेंडर करा दिया है। अभी इसके बाद आचार संहिता के बाद काम लगे, 100 करोड़ का रोड एक ही मात्र रोड बन रहा है। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरा सोच था कि अगर वहां पे अगर हमारे नौजवान अगर मरते हैं, कोई हमारा गार्जियन मरता है तो उसका इलाज ये नहीं है कि हम प्लांट को बंद करें या घाट को बंद करें, हम एक पैरेलल एक्सेस निकाल के दे देते हैं पूरे इलाके के लोग कम से कम बारून जाने के लिए और नवीनगर जाने के लिए हम लोगों को सुगम रास्ता मिल जाएगा। ऐसा कौन सा रोड है जो अभी आपको इनकम्प्लीट मिल जाएगा, जो भी छूटा फूटा थोड़ा मोड़ा बचा था वो सब में हम लोगों ने काम लगवा दिया। हम लोग लगे हुए, लेकिन हमारा काम मालूम था कि इस साल 17 महीना में ट्रेन एक्सीडेंट कर जाएगा। लेकिन दिक्कत उसका नहीं, सरकार आने जाने की चीज है। लेकिन अभी स्थिति है कि आप लोगों को लोकसभा का चुनाव है, ये जान जाइए कि ये लोकसभा का चुनाव इसलिए आवश्यकता है, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है। खास करके नौजवान साथियों से हम अपील करेंगे और अपने जितने दलित भाई हैं उनसे मैं अपील करूंगा कि अगर ये लोग फिर जीत गए अगला बार क्या होगा कोई नहीं जानता है। जिस जगह के जिस दल के सांसद से लेके सभी नेता कह रहे हैं कि हमको 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि हमको संविधान बदलना है, तो संविधान बदल के का लिखेंगे, एकर कौन मैनिफेस्टो में दिए हैं। तो इसको हरदम हाल में आप लोगों को समझना होगा कि हम लोगों को हर हाल में राजा राम जी को जिताना है। और हम इतना ही जानते हैं कि दिल्ली का राजनीति पटना का राजनीति छोड़ दीजिए, इस काराकाट के लिए अगर कोई है तो राजा राम सिंह ही है और इनको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए नहीं रोक सकता है कि जिसके नाम में राजा हो और राम हो और आप लोग ऐसे हनुमान बैठे हो तो उसको कोई हरा सकता है क्या। तो हम लोग निश्चिंत होकर यहाँ से जाए, हम लोग भैया आए हैं अरवल से चल के आए, इनके क्षेत्र में भी चुनाव है, जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में है, एक ही साथ चुनाव है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने क्षेत्र को छोड़ के हम लोगों के आए हैं। तो हमको लगता है कि इनके सम्मान में आप लोग ज्यादा से ज्यादा मत देकर इनके हाथ को मजबूत कीजिए। इनका हाथ मजबूत होगा तो तेजस्वी यादव का हाथ मजबूत होगा और 24 टेलर है, 25 हम लोगों का असली लड़ाई रहेगा। धन्यवाद साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।